हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जॉडियक रीडिंग में हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। कैंसर, कर्क राशि, कैंसर, कर्क राशि, अभी डेक प्रिपेयर नहीं है सो मैं अभी नहीं ले रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। वेरी नाइस, आप लोग कैंसर हो, वाटर साइन हो, एंड वाटर साइन का ही कार्ड्स आया है। सो मैं आपको बताऊं, आपके हेल्थ के लिहाज से ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो हेल्थ है वो मैं कहूँगी ओके ओके रहेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चलती आ रही थी तो आपको सुधार देखने को मिलेगा वहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग के लिए उनके हेल्थ के रिलेटेड ना उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा हो, जैसे कि हो सकता है, पता नहीं मुझे यहाँ पे हेल्थ के लिए इतना सारा कुछ क्यों आ रहा है कि कुछ लोग कहीं पे अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हों, उन्हें वो जगह पे उनके ट्रीटमेंट जो भी हो उससे रिजल्ट नहीं मिल रहे हों, और इस वीक ऐसा होगा कि उन्हें कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है और जिसकी वजह से उनकी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो दूर हो रही है। ठीक है, कुछ लोग के लिए स्किन रिलेटेड इशूज़ भी हो सकते हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ये वीक ऐसा रहेगा ना आपका चलता हुआ, जैसे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी कि आप खुद को स्टक फील करोगे या फिर कहीं भी आपको ऐसी एनर्जी आएगी कि आप फंसे हुए हो या फिर कुछ भी, नॉर्मल जैसे लाइफ गोइंग ऑन होती है ना वैसे ही इस वीक का रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे ये और एनर्जी है कि आप लोग किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, शायद बहुत ज़्यादा बेसब्री से कि कोई पर्सन आए आपको प्रपोज करें, उनका वेट है आपको, जैसे कि अपनी फीलिंग्स को आके वो कन्फेस करें, है ना। देखती हूँ मैं और आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। कैंसर, कर्क राशि, ओके सो नेक्स्ट दी एम्प्रेस। वेरी नाइस, आप लोग की एनर्जी इस वीक की बहुत अच्छी है। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे एकदम से इस कार्ड को देख के रिमाइंड हुई कि कुछ लोग के लिए प्रेगनेंसी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस वीक, और कुछ लोग के लिए प्रपोजल जो है उनकी शादी के लिए भी हो सकता है। डेफिनेटली कोई पर्सन आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली आगे शादी के लिए, आप मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। और एनर्जी दी एम्प्रेस की एनर्जी, इसके पास सब कुछ है, ये खुश है अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, इसके पास बहुत सारी चीज़ों को लेके एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंसेस ने जैसे इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस कलेक्ट करे हैं। ये एम्प्रेस है, जस्ट बैठ के ये ऑर्डर कर रही है, दूसरे लोग इसकी बात मान रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ पे आपके भी कुछ एनर्जीज मिल रही हैं कि आप ना इस टाइम अपनी लाइफ से, मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे एक सेटिस्फेक्शन वाला मोड आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि वर्क रिलेटेड वो भी सेटिस्फेक्शन हो कि आप कैरियर में अच्छा कर रहे हो, या फिर जिस कैरियर में आप सेटल होना चाहते थे अब आप उस कैरियर में फाइनली सेटल हो रहे हो। यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन में आते हुए देख रही हूँ। लव रिलेटेड ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊँ, जैसे पार्टनर आप चाहते थे ना, अगर आप लोग सिंगल भी हो तो जैसा पार्टनर आप चाहते थे, जो आपने जैसे इमेजिन कर रखा था मेरा सपनों का राजकुमार, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। स्टिल एक और बात कहूँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट है और ये दी एम्प्रेस है, यानी कि आप लोगों में या तो एज गैप काफ़ी हो सकता है या फिर थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल का फ़र्क हो सकता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊँ कंपेटिबिलिटी आपस में बिठाने में टाइम लगेगा, बट जस्ट क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, ये पर्सन दूसरे की फीलिंग को समझता है, ये रिस्पेक्ट करता है, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोग कर लोगे वो चीज़ मैनेज। और देख लेती हूँ मैं कैंसर, कर्क राशि, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। बहुत अच्छा रहने वाला है ये वीक आपका, और मैं बताऊँ इस वीक से या फिर अभी से ही मैं कहूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसा फील कर रहे होंगे कि इम्प्रूव हो रही हैं, सिचुएशन बेटर हो रही है। और अगर कोई पर्सन आपको यहाँ पे ये भी है कि पहले इतना ज़्यादा आपको मैं कहूँ कि आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको ग्रांटेड पर लिया जा रहा था, तो वो सिचुएशन अब नहीं रहेगी। यहाँ पे हो सकता है आप लोग डोनेशंस वगैरह में भी जाएं इस वीक, कुछ ना कुछ ऐसा रिलीजियस काम करें अपने धर्म से रिलेटेड, किसी को जैसे खाना, आई डोंट नो मैं ऐसा कर रही हूँ, जस्ट ऐसा कि रेंडमली किसी की भी आप हेल्प करने को तैयार रहोगे, आपका बहुत
ऐसा होगा कि बहुत काइंड कहते हैं ना कंपैशन लोगों के लिए, वो एक मैं आप लोगों में आते हुए देख रही हूँ, और बहुत आप यहाँ पे हेल्प करोगे दूसरे लोगों की। एम्प्रेस के बाद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, सो कार्ड्स की यही सिंक्रोनिसिटी है कि आप दूसरों के लिए बहुत करते होंगे डेफिनेटली, और इस वीक से भी ऐसा ही रहेगा। और एक और कार्ड देख लेती हूँ फाइनल। आप लोग के कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं कैंसर, यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे तो विश कम ट्रू है बिल्कुल, जैसे जिस पर्सन को चाहा था, बहुत आपने वेट किया जिसका, बहुत सारी चीज़ों को आपने सहा, और फाइनली एक यूनियन, एक ब्लेस्ड यूनियन मैं यहाँ पे कहूँ। हो सकता है कि आप लोग नवरात्रि में भी काफ़ी आप लोगों ने पूजा पाठ करी हो, बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा हो इस चीज़ के लिए, एंड फाइनली चीज़ों का मैं रिजल्ट मिलते हुए देख रही हूँ। इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए। आप लोग के बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इतनी अच्छी एनर्जीज को देखते हुए। और इस डेक से देख लेती हूँ कैंसर, कर्क राशि। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपने बहुत स्ट्रेंथ रखी है पहले से ही। ये स्ट्रेंथ मैं ऐसे नहीं देख रही हूँ कि आप में इस वीक आ रही है, आपने पहले से ही बहुत स्ट्रेंथ रखी है खुद में, आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत सबर करा है। अगर आपकी किसी से सेपरेशन भी था ना, तो उन सारी चीज़ों ने ना आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है आपके लाइफ में। आप लोगों में मैं देख रही हूँ एक आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होते हुए, आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हुए, एक कॉन्फिडेंस में देख रही हूँ। इस लड़की का जो फेस है ना एंजल का, आप देखिए मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे किसी के फेस पे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, किसी को खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस हो रहा है, खुद पे बहुत भरोसा हो रहा है। कोई पर्सन खुद को बहुत अच्छे से जान चुका है कि उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसमें, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, खुद को बहुत अच्छे से जान लेना, खुद पे वर्क करना। यहाँ पे इनर वर्क करा है इस पाइल ने बहुत, पता नहीं नोइंगली किया है, अननोइंगली किया है, बट किया है। मुझे बताइएगा अगर ऐसा है तो आप लोग। ओके, देन वी हैव सिक्स चक्र, आर्केंजल, मेटाट्रॉन। तो यहाँ पे आप लोग को अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है कि अभी जो आगे का स्टेप है आपके लिए वो है अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करना, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को एनहेंस करना। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे लग रहा है बहुत शेडो वर्क करा है खुद में, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। आप लोग कभी भी चैलेंजेस से डरे नहीं हो, लाइफ के प्रॉब्लम से आप कभी भी डरे नहीं हो, कभी भी पीछे नहीं हटे हो, आपने सबको हंस के सहाय, मैं ऐसे कह दूँ हंस के सहाय। और अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने सिक्स चक्रा पे वर्क करना है, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना है। इस चक्रा पे मेडिटेशन करिए, ओम का उच्चारण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली आपको अपनी इंट्यूशंस की आगे सुननी है, तो इंट्यूशंस की सुनने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से थोड़ा सा ना हमारे मन से जो शोर है वो दूर हो पाता है, हम अच्छे से अपनी इंट्यूशंस को समझ पाते हैं। अब मैं लास्ट कार्ड इस डेक से और ले लेती हूँ, कैंसर, कर्क राशि। नो, अभी कोई कॉशन आपके माइंड में चल रहा था इस रीडिंग को देखते हुए, इस रीडिंग के पहले, तो अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई सोच रहा है मैं गिव अप कर दूं, पता नहीं मुझे ऐसे सुना जैसे मैं गिव अप कर दूं, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए क्या, तो यहाँ पे है नो, कि नहीं नहीं करना है आपको। इतनी स्ट्रेंथ रखी है, इतना पेशेंस रखा है आप लोगों ने, सो थोड़ा और। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आप लोगों को और रुकना भी नहीं चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हों, जो भी चीज़ें हो ना, अगर कुछ गलत भी होता है तो उसमें लेसन्स छुपे होते हैं कुछ ना कुछ। तो उनसे हमें सीखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि हमारी लाइफ स्टक हो जाए। हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस करना चाहिए ना। आप लोगों ने कहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे एक यहाँ पे ऐसा सुनाई दिया कि मैं गिव अप कर दूँ, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे नो है कि नहीं, आपको नहीं करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।